ये डेयरी फार्म हमने फाइनेंस किया है, जेके बैंक बस स्टैंड त्राल से हैं हम। पीएमजीपी स्कीम ये हमारे पास आए थे तो हमने इनको फाइनेंस किया हुआ है। इसका यूनिट जो था, जो टोटल प्रोजेक्ट कास्ट था, वो 15 लाख था। उसका 95% हमने बैंक फाइनेंस किया है और 5% इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, और इनका 35% इनका बैक एंडेड सब्सिडी होता है। तो हम अभी हमने इसको 5 लाख रुपीज़ दिए थे जो इसका ये यूनिट शेड वर्ड एस्टेब्लिश करने के लिए, और 10 लाख रुपए हमने इनको दिए थे फॉर परचेज ऑफ काउस। नहीं, इसमें तो बहुत बेनिफिट है, अगर मतलब जैसे जैसे काम चल रहा है ना, इसमें बेनिफिट ही है। मतलब दूध जो है ना, ये गाय का दूध है, ये बच्चों के लिए मतलब बहुत मुफीद चीज़ है, ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, तो बच्चों के लिए फ़ायदा है ना। अगर हर कोई ऐसा काम करे तो बहुत अच्छा चीज़ है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी स्कीम निकाली है, अगर इस स्कीम पर अगर गवर्नमेंट ताउन दे तो बहुत अच्छा काम है ये। मैं गवर्नमेंट जो फ़ायदा देती है ना लोगों को इस चीज़ का, दरअसल में लोगों को ज़्यादातर पता ही नहीं है। अब गवर्नमेंट भी मतलब हेल्प तो बहुत करती है गवर्नमेंट, जैसे कि मतलब सब्सिडी पे माल ये माल दे रही है, तो इसमें ठीक है। अगर कुछ मतलब गवर्नमेंट अमदाद करे तो कुछ मतलब मैं दूसरा आदमी, घर का भी आदमी मतलब काम चला सकता है, और 2-4 आदमी को और बाहर से भी रोज़गार मिल सकता है इसमें। आगे से हम ये बढ़ाना चाहते हैं, हमें इनकी मशीन अब लानी है, वो जिससे पनीर बनाते हैं, दही बनाते हैं, या वो बैटर घी वगैरह बहुत से चीज़ बनते हैं, तो अब हमें वो मशीन भी लानी है। उसमें हम गवर्नमेंट से कुछ थोड़ा मदद भी लेने चाहते हैं, तो वो आगे से हम ये बहुत बड़ा बनाएंगे। 10 लोग इस यूनिट पे अभी काम कर रहे हैं जिनको रोज़गार मिला हुआ है, तो अगर ये आगे बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है काफ़ी स्कोप है ऐसा। और अभी यहाँ पे ये डेयरी वगैरह, इसका भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। जो भी यूथ है, हम उनको कह रहे हैं कि आप जॉब्स के पीछे मत भागो, जॉब क्रिएटर्स बनो और अपने यूनिट्स एस्टेब्लिश करो। आपको कोई भी ज़रूरत होगी तो हमारे दरवाज़े, बैंक के दरवाज़े हमेशा खुले हैं, और गवर्नमेंट भी इनको सपोर्ट कर रही है, काफ़ी स्कीम्स है, तो हम अवेयरनेस कैंप्स भी करते हैं, तो उनसे ये फ़ायदा उठा सकते हैं। बैक टू विलेज प्रोग्राम्स होते हैं, बैक माई टाउन माई प्राइड होता है, तो उसमें भी हम कैंप्स लगा देते हैं कि आप यूथ के लिए कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे हो सकती है। तो रादर दैन बिकमिंग जॉब सीकर्स, दे कैन बिकम जॉब गिवर्स। एक नई तस्वीर है, ये बदलता हुआ कश्मीर है।